खेत की मिट्टी से ज्यादा पैदावार पाने के लिए किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फसलें उगाने में उन्हें काफी पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन मिट्टी में पनपने वाले कीड़े मकोड़े पौधों और फसलों को चट कर जाते हैं। इन कीटों में फसलों को सबसे ज्यादा दीमक नुकसान पहुंचाता है। भारत में फसलों को करीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को खाते हैं। सीडलिंग स्टेज से लेके पौधे के बड़े होने तक के स्टेज तक को नुकसान पहुंचाता है। खास करके सीरियल्स में दाने वाले पौधे में जो होता है, शुरुआती अवस्था में जैसे अंकुरण की अवस्था होती है, उसी वक्त जो है वो सीडलिंग स्टेज को, मतलब बीज वाला जो स्टेज होता है, उसके जड़ को खा जाता है, और जिसकी वजह से आपका पूरे का पूरा फसल जो है बर्बाद हो जाता है अगर उस खेत में दीमक का प्रकोप है तो। दीमक कीट की सुंडियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती हैं। रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काटकर गिरा देती हैं। आलू के अलावा टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राई, मूली, गेहूं आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाती है। प्रायः आपने ऊपर में भी देखा होगा, खास करके ऊपरी अवस्था में आप फलदार वृक्षों में देखेंगे, उसके तने पे जो होता है कुछ हद तक मिट्टी का जो बना हुआ रहता है, उससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पे वो उतना नहीं पहुँचाता है। लेकिन हमारे सब्जी वाले फसल और सीरियल जो मतलब दाने वाले फसल में अत्यधिक नुकसान इसका होता है, क्योंकि ये शुरुआती दौर में ही जो है उसके जड़ को नुकसान पहुंचा देता है, और जड़ को जैसे ही अगर काटेगा तो पौधे में किसी तरह का ग्रोथ और डेवलपमेंट, कहने का मतलब प्रॉपर बढ़ाव होना संभव ही नहीं है। उसमें फिर किसी तरह का कुछ चीज आएगी नहीं, कुछ दिन में मर जाएगा, क्योंकि वो खाद्य पदार्थ को जमीन से फिर ले ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से लॉसेस जो है लगभग 100% तक भी देखा गया है। दीमक से बचाव के लिए खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। खेतों में कच्चे गोबर नहीं डालने चाहिए। बीजों को बिवेरिया बेसियाना नामक फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए। 1 किलो बीज को 20 ग्राम बिवेरिया बेसियाना से उपचारित करके ही बोना चाहिए। नीम के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालना चाहिए। इस कीट के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन को अपनाना जरूरी है। रोकथाम के लिए आप फिजिकल एक्टिविटी, मतलब मैकेनिकल हम लोग जो बात करते हैं, उसके लिए सबसे बढ़िया जो और घरेलू उपचार भी है, और खास करके जो हम लोग करते हैं, सबसे बढ़िया है इरिगेशन दे देना, क्योंकि ये जनरली प्राय मिट्टी के अंदर ही रहती है, और जैसे ही हम लोग इरिगेशन देते हैं, जो भी उसका रास्ता जो रहता है, जो अपना वो सुरंग बना के अंदर में रहती है, वो उसको अवरोधित कर देता है, वो सारा रास्ता उसका कोलैप्स हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसके वजह से अंततः वो मिट्टी के साथ दब के मर के वो अंदर ही खत्म हो जाती है। दीमक से फसलों और पौधों को बचाने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 इसी केमिकल दवा को 2.5 मिली प्रति लीटर पानी के घोल में मिलाकर छिड़काव करना बेहतर रहता है। इस दवा का प्रयोग हमेशा पेड़ या पौधों के जड़ या तने के पास करना चाहिए, जिससे दीमक के प्रकोप में कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा 1 एकड़ खेत के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी दवा की 4 लीटर मात्रा खेत की सिंचाई करते समय मुख्य नाली के पास किसी बर्तन में लटका दें और दवा को पानी में बूंद बूंद टपकने दें, जिससे कि दवा एक समान मात्रा में पूरे खेत में फैलकर दीमक को खत्म कर दे।